यूक्रेन ने दावा किया कि वो रूसी सेना को सितंबर तक खेरसोन से बाहर खदेड़ देगा। खबर है कि खेरसोन में पुतिन की फौज यूक्रेन के जोरदार हमलों से पस्त हो चुकी है और अब वो उतने भीषण हमले नहीं कर पा रही है जो जेलेंस्की की सेना को तगड़ा नुकसान पहुंचा सके। दावा है कि जंग लंबी खिंचने की वजह से पुतिन के सैनिक पस्त हो गए और इसी का फायदा उठाते हुए यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले खेरसोन के कई इलाकों को छुड़ाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। खेरसोन के गवर्नर ने दावा किया कि रूसी सेना पर यूक्रेन इतने जोरदार हमले कर रहा है कि अब पुतिन के सैनिक पीछे हटने पर मजबूर हो गए हैं। असल में यूक्रेन हाईमार्स जैसे घातक रॉकेट सिस्टम से रूस की सेना पर लगातार हमले कर रहा है जिसमें रूस की फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। दावा है कि लगातार अपने साथियों की हो रही मौत से पुतिन के जवान परेशान हो गए हैं और इसीलिए वो अब यूक्रेन के हमलों से बचने के लिए पीछे हटने लगे हैं। यूक्रेन का दावा है कि सितंबर तक वो खेरसोन को पूरी तरह रूस के कब्जे से छुड़ा लेगा और अगर ऐसा हुआ तो इतनी लंबी जंग लड़ने के बाद भी पुतिन के हाथ कुछ नहीं बचेगा। खबर है कि जंग शुरू होने से लेकर अब तक यूक्रेन के हमलों में रूस के 40,000 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो चुकी है। जंग को 5 महीने हो चुके हैं लेकिन अब भी पुतिन के हाथ ज्यादा कुछ नहीं लगा है। रूस ने दावा किया था कि उसकी सेना ने खेरसोन पर कब्जा कर रखा है लेकिन यूक्रेन की तरफ से खेरसोन में किए गए हमलों के जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो रूस के दावे की पोल खोल रहे हैं, क्योंकि रूस एक तरफ खेरसोन पर कब्जे का दावा कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जेलेंस्की की सेना खेरसोन में रूस को तगड़ा नुकसान पहुंचाने की बात कह रही है और इसी वजह से सवाल उठ रहे हैं कि अगर खेरसोन पर रूस का कब्जा है तो उसके सैनिक यूक्रेन पर पलटवार क्यों नहीं कर पा रहे हैं, जबकि यूक्रेन अपने दावे को सही साबित करने के लिए रूस पर किए गए हमलों के वीडियो भी जारी कर रहा है। इसी कड़ी में उसने खेरसोन में रूसी सेना पर कहर बरपाने का वीडियो जारी किया जिसमें रूस का S-300 एयर डिफेंस सिस्टम आग की लपटों में घिरा नजर आया। यही नहीं, सामने आए एक दूसरे वीडियो में यूक्रेन की सेना के जवान जैवलिन मिसाइल से रूस के टैंक को तबाह करते दिखाई दिए। यूक्रेन का दावा है कि उसकी सेना रूस के कब्जे वाले खेरसोन को छुड़ाने के लिए रूसी सेना पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है।